ठीक है चलो हमारी क्वेश्चन देता हूं, रुको अभी। अब यहां पे देखो, अब यहां पे एकदम सिंपल बात, ये मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं कि आपको मतलब जिन जिन लोग को प्रॉब्लम है, जिन लोग को कुछ प्रॉब्लम था अंडरस्टैंडिंग में, उसके लिए बात उसका वो कर रहा हूं मैं। यहां पे देख लो, अब यहां पे जब भी एक ध्यान में रखना, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, ये ए पॉइंट है, ये बेसिकली क्या है, ये लेक है, ये रिवर है जो फ्लो हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर कुछ ऐसे है। एक चीज ध्यान में रखना है, एक चीज ध्यान में रखना है, जब आदमी जंप मारता है तो ऐसा लिखा रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, इन स्टिल वाटर, ऐसा दिया रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। पहले ये चीज समझ लो, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ऐसा कभी क्वेश्चन मतलब ऐसा कभी सेंटेंस में दिया रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन, तो इसका मतलब क्या होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक वाटर है। और दूसरा भी एक और कभी भी वर्डिंग दिया रहता है, वो तो खुद रह जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसा मतलब द मैन इज स्विमिंग परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, और मैन इज स्विमिंग एट 120 डिग्री टू द फ्लो ऑफ रिवर, इसका मतलब भी क्या होता है, वो वेलोसिटी ऑफ क्या, मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ही होता है। देखो विथ रिस्पेक्ट टू ए टर्म यूज हो गया है ना कहीं पे, द मैन इज फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, इसका मतलब मैंने क्या बोला, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर ना, तो वो क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया। जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन होता है, मतलब देखो मतलब बेसिकली रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, मैन इधर से जाने की कोशिश करेगा, तो ये हो गया ये, लेकिन मैन यहां पे जाएगा क्या, मुझे बताओ, इधर पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर, इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा, दैट इज माय एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट इज माय, मतलब बेसिकली मैन कुछ ऐसे इधर जाके इधर पहुंचेगा या इधर जाके इधर पहुंचेगा जहां पे भी, तो ये चीज दिमाग में रखना है, इसका मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो जो भी एक्चुअल के सारे क्वेश्चन है वो अपन ने यही थे ना, तो यहाँ पे दो ही टाइप के टर्मिनोलॉजीज है, और कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज आएगी जो क्वेश्चन में आएंगे, और क्वेश्चन तो आपको पता है बहुत सारे बनेंगे, तो आज का जो डेट है आपकी सपोज हालत खराब हुई होगी तो होने दो, क्योंकि वैसे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें थे। आपको क्या करना है, रिलेटिव मोशन को वही इसी क्वेश्चंस को वापस एक बार सॉल्व करना है, ठीक है, आज सर लेक्चर के आज बाद की या कल। डाट अच्छी गई, बट सिक्स्थ क्वेश्चन में मुझे एक्चुअली डाउट था कि वो ऐड कैसे हुआ उसमें भी। सॉल्व, ये देखो पहले सॉल्व करो खुद से, ठीक ओके है, सर, डेट का मैंने एकदम सिंपल सा फंडा है, डेट या वैट में पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद उसका डाउट सॉल्विंग पूछना है, उसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, ओके सर, ठीक है, उसका सॉल्यूशन जो है एक रिटर्न सॉल्यूशन पीडीएफ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बाद में आएगा, पहले खुद से ट्राई मारोगे, खुद से ट्राई नहीं मारोगे तो कैसे होगा, ठीक है। अभी का टाइम ऐसा होता है कि जिसमें आप अभी दिवाली का भी टाइम है, तो आप आधा आधा घंटा भी एक एक क्वेश्चन के ऊपर डाल सकते हो, ट्राई मारो सोचने के लिए, तो आपकी सोच बढ़ाओ, ठीक है, आपकी सोच बढ़ाओ। चलो अभी हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलस का मैं रिविजन करता हूँ गाइस, कैलकुलस में क्या क्या पढ़ा था, कैलकुलस में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, सपोज मैंने कुछ ऐसा दिया, एस इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t² प्लस साइन टी, ठीक है, प्लस मतलब 4 sin t प्लस सपोज 8, मुझे इसका डिफरेंशिएट लेना है, तो यहाँ पे क्या, एस इन टर्म्स ऑफ क्या है, एस इन टर्म्स ऑफ क्या है, टी, टी तो एस इन टर्म्स ऑफ टी है, मतलब कभी हम लोग पहले के इसमें क्या लिखते थे, इसको वाई लिखते थे, टी को एक्स लिखते थे, तो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स होता था, अब मैंने क्या लिखा है, y के जगह s लिखा है, t के जगह x लिखा है, अब मुझे बोला है कि ds by dt कितना होगा, तो व्हाट इज ds by dt, टी टू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस प्लस फोर 4 टी टी प्लस प्लस 4 कॉस थीटा या प्लस 4 कॉस थीटा 4, हाँ साइन टी, साइन टी का डेरिवेटिव इज व्हाट, कॉस टी कॉस कॉस टी, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 8, जीरो जीरो जीरो, डेरिवेटिव ऑफ 8 इज जीरो, ठीक है, तो इतना तो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस मतलब सर, नॉर्मल डेरिवेटिव तुमको आता है, मैंने बोला था आपको डेरिवेटिव एंड कैलकुलस का थोड़ा सा रिवीजन करके आओ, रिवीजन करके आओ मतलब कैलकुलस पूरा का पूरा जो कैलकुलस था, ठीक है, पूरे के पूरे कैलकुलस में दो ही चीजें, डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन है, यस सर, डेरिवेटिव तो बहुत इजी है, डेरिवेटिव के कितने फॉर्मूले थे, पहला वाला फॉर्मूला क्या था, वाई इज इक्वल टू क्या, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता एक्सटेंड हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स टू पावर एक्सटेंड एन, हाँ तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन माइनस वन एन माइनस वन, ये फॉर्मूला था ना, तो अभी ना मैं यही फॉर्मूला लिख के रख रहा हूँ, क्योंकि यही फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आज आज के सेशन में मुझे बहुत ज्यादा यही फॉर्मूला काम में आने वाला है, y इक्वल एक्स पावर एन डिवाइड बाई डीएक्स क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, मैंने बोला डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, वैसे डेरिवेटिव लेट्स से 4x, व्हाट व्हाट y इक्वल टू 4x होगा, तो व्हाट इज डिवाइड बाई डीएक्स,
4 क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1 होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, तो यहां पे dy / dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो कुछ कुछ यही चीज अब इनको काम में आने वाली है, तो डेरिवेटिव का सिर्फ इतना ही चीज अपने को लगने वाला है, ध्यान में रखना। हाँ, किसी ने बोला डबल डेरिवेटिव, सो व्हाट इज डबल डेरिवेटिव, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे ऐसा लिया y is equal to x cube बोला मैंने, तो व्हाट इज dy / dx 3x square एंड व्हाट इज d square y / dx square 6x हाँ 6x राइट। तो ये बेसिकली ध्यान में रखना, ये होता है मेरा बेसिकली क्या डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव, इतना मैंने बोला था। हाँ, फिर इसका एक इंटीग्रेशन फॉर्म भी किया था, इंटीग्रेशन फॉर्म क्या था इसका, मतलब इस y is equal to x cube को हम लोग क्या लिख सकते थे, dy is equal to क्या 3x square dx राइट ना, मतलब तो वो मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते कि भाई दिस dx we can bring it here right, yes sir, ऐसा बोल सकते हैं, बट ऐसा मतलब है नहीं, ये अलग फॉर्म इंटीग्रेशन फॉर्म है जो अपने इंटीग्रेशन में काम में आता है, ठीक है। तो पहले तो ये था डेरिवेटिव। कुछ लोग बोलेंगे सर ये dy / dt भी अपन लिख सकते हैं, मतलब आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, सो y इन टर्म्स ऑफ x, सो y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसमें क्या है, इसमें बेसिकली y इज फंक्शन ऑफ क्या है x, x की वैल्यू बदल रही है, y की वैल्यू बदल रही है, सो y इज फंक्शन ऑफ x, लेकिन यहां पे what we can do dy / dt is equal to 3x square dx / dt, बराबर ना dt, तो ये सब कुछ था, ये सब कुछ क्या था बेसिकली, ये सब कुछ था अपना डेरिवेटिव का चीज, ठीक है। मैं जस्ट छोटा सा एक रिकैप दिया, अब इंटीग्रेशन का रिकैप देते हैं। अब इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला अपने को दिमाग में रखना था, वो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 1। देखो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। अब मुझे एक बात बताओ यार, देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपको देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ मैंने बोला x स्क्वायर dx होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर मतलब n 2 है ना, तो यहाँ पे क्या x क्यूब बाय क्यूब, ठीक है 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस राइट, तो x क्यूब बाय 3 मेरा आंसर आ जाएगा, समझ में आया ना, ये प्लस कॉन्स्टेंट वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, अब पहले सिर्फ यहाँ पे देखो क्योंकि रिविजन के लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, अब मुझे बताओ सपोज मैंने इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx बोला, 2 dx सो वी हैव टू सेव 2x इंटीग्रेशन एंड यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx विच इज नथिंग बट व्हाट 2x राइट। अब सपोज मैंने ऐसा कुछ बोला इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 dx, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx सेपरेट कर देते हैं, हाँ सेपरेट करते हैं, सो x स्क्वायर dx सेपरेटली करेंगे, 2 dx सेपरेटली करेंगे, विल do the integration for both the terms right, in dono ke liye, so it's x square ke liye kya ho jayega x cube by 3 and then for this 2 dx it will become 2x. koi dikkat hai kya mujhe hota is case mein idhar tak, no sir, then there are many formulas right, integration of sin x is minus cos x, integration of cos x is sin x, integration of matlab sec square x, ab sab theek hai sec square x, jo bhi anti derivative wale sare formulas, but mainly today, mainly in our today's lecture or in tomorrow's lecture, we are going to talk about only this formula, ये वाला formula, ठीक है? इसी formula के बारे में हम लोग आज के lecture में बात करेंगे। इतना समझ में आ रहा है? ये चीज ठीक है? फिर integration with limits, अब integration with limits क्या होता है? अब guys एक simple चीज़ है, मैं अभी suppose ऐसे आपको दिया, ध्यान में रखना, integration कभी भी integration में ये x square होगा तो ये dx ही होना चाहिए, मतलब मैं ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैंने इंटीग्रेशन ऑफ s square दिया है और यहाँ पे मैंने dt दिया, ये हो सकता है क्या कभी, पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या पॉसिबल है, t square dt पॉसिबल है, t होगा तो ये dt होना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y square dy पॉसिबल है, ये y होना चाहिए तो मतलब dy ही होना चाहिए राइट, तो ये चीज दिमाग में रखो। और कभी कभी क्या होता है ना, किस टर्म को इंटीग्रेट करना होता है, मतलब मैंने बोला किस टर्म को इंटीग्रेट करना होता है, अब पहले तो मैंने पहले लिमिट्स वाला चीज आपको याद दिलाता हूँ, लिमिट्स वाला चीज कैसे था, सपोज मैंने इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx दिया एंड लिमिट इज फ्रॉम 1 टू 3, डोंट फाइंड द वैल्यूज, ओके, मतलब सिर्फ विल सी द प्रोसेस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx लिमिट्स फ्रॉम 1 टू 3, तो यहाँ पे x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन इज x क्यूब डिवाइड बाय व्हाट 3, देन ये ऐसा कुछ सिंबल डालेंगे 1 एंड 3, ठीक है, देन फर्स्ट आई विल पुट व्हाट, एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड व्हाट, लोअर लिमिट, दिस लिमिट इज कॉल्ड अपर लिमिट, तो ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया, समझ में, अब इसमें पहले 3 डालेंगे, फर्स्ट विल पुट अपर लिमिट,
तो कितना आएगा यहाँ पे 3 cube divided by 3 and then I'll put 1 cube upon 3 तो ये सॉल्व करके जो भी आंसर रहेगा मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा जो भी है मैंने बोला मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ठीक है ये समझ में आया अब मैंने सपोज कुछ ऐसा दिया अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं अलग दे रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस मतलब कहीं पे जाके सपोज कुछ ऐसा वाला टर्म आया ठीक है तो पहले तो मुझे एक बात बताओ मैं जब ऐसा लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ चलो क्योंकि मुझे एक ही पेज में क्योंकि अब उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होगा गाइस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होगा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होगा एस इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या होगा वी इंटीग्रेशन ऑफ डीटी क्या होगा टी ठीक है तो अब मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से देखो सपोज मैंने कुछ ऐसा लिखा है मैंने कुछ ऐसा लिखा है मैंने लिखा है डीवी इज इक्वल टू ठीक है यहाँ पे देखो अच्छे से मैंने लिखा है यहाँ पे डीवी इज इक्वल टू टू टी डी टी देखो यहाँ पे क्या लिखा है डीवी इज इक्वल टू टू टी डी टी कभी भी ध्यान में रखना ऐसा इक्वेशन अपने को आने वाला है आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना तो इस टाइप के कुछ कुछ इक्वेशंस आएंगे तो मुझे बता डीवी इक्वल टू डी टी लिखा है भाई क्या पॉसिबल है इसमें क्या कर सकते हैं मुझे बताओ कैन आई पुट इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड यस सर बिल्कुल यस सर सो इफ आई पुट इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन इज पॉसिबल और नॉट टी डी टी देखो टी डी टी इट इज पॉसिबल राइट यस सर यस सर लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन इज आल्सो पॉसिबल इट इज ओनली डीवी राइट यस सर ठीक है हाँ Now suppose if I put the limits, let's say if I put the limit as at time t is equal to zero, मतलब ये सब मैं explain बाद में करूँगा, अभी के लिए zero, यहाँ पे भी limit मैंने डाला, नहीं limit नहीं डाला, इधर मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं limit डालता हूँ one, यहाँ पे limit डालता हूँ three, ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे मैं limit डालता हूँ u और यहाँ पे limit डालता हूँ v, ठीक है, ऐसे देखो कुछ अलग ही अजीब गरीब limit डाल दिए, ठीक है, तो अब मुझे बताओ what is the integration of dv, V, ठीक है, and then we do this, right? ऐसे कुछ bracket बनाते हैं, we keep this is my lower limit, this is my upper limit, ऐसे लिखते हैं हम लोग? Yes sir. Okay, ठीक है, and then 2t dt को क्या करेंगे अपन? 2t dt is nothing but what? T square. T square. T square by 2, 2 cancel, बराबर? Yes sir. Yes. तो ये हो जाएगा भाई t square और यहाँ पे limit आएगा 1 to 3. इतना तो समझ में आ रहा है तुमको मैं जो लिख रहा हूँ yes, yes, ठीक है हाँ देन व्हाट आई विल डू देन आई विल व्हाट आई विल डू लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट आई विल पुट यू वी देन आई विल पुट यू एंड आई विल सब्ट्रैक्ट बोथ राइट यस यस सो इंस्टेड ऑफ दिस वी आई विल राइट फर्स्ट वी माइनस यू आर यू गेटिंग दिस यस सर ठीक है देन आई विल पुट 3 हियर एंड देन आई विल पुट 1 हियर अगेन आई विल सब्ट्रैक्ट इट इज 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यस समझ में आया ये मुझे बताओ ये जो मैंने अभी बताया वो समझ में आया क्या तुमको मैंने क्या लिखा है क्या किया समझ में आया ना देखिए तो जस्ट आपको समझने के लिए मैं कर रहा हूँ ठीक है अब हम लोग आगे अभी काइनेमेटिक्स में बढ़ने वाले हैं ठीक है तो ध्यान में रखना अपने को दो ही फॉर्मूले अपने को काम में आने वाले है ठीक है वो मैं फॉर्मूला ऊपर लिख के रखता हूँ जस्ट दैट की इंस्टेड ऑफ वाई और इंस्टेड ऑफ एक्स विल हैव डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लेट्स से एक्स की जगह हम लोग को टाइम आएगा कभी x की जगह पे कुछ u आएगा अभी मतलब s आएगा v आएगा a आएगा एनी टर्म कैन कम राइट तो इतना ध्यान में रखना वी आर नॉट गोइंग टू यूज y एंड x स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स मतलब y के जगह वील यूज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन x की जगह वी कैन यूज टाइम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एनीथिंग ठीक है देखते हैं अपन आगे देखते हैं तो आपको समझ में आएगा और बस इतना ध्यान में रखना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो ही अपने फॉर्मूले काम में आने वाले हैं एक ये फॉर्मूला y इज इक्वल टू x टू पावर n तो व्हाट इज dy बाय dx n x n माइनस 1 एक चीज दिमाग में डाल दो दोनों इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू क्या होगा x टू द पावर व्हाट n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 जिन लोगों ने कैलकुलस प्रॉपर पढ़ के नहीं आए आज का लेक्चर आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा ठीक है कैलकुलस जितना वीक है या जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है मैंने बोला था आपको वीडियोस देख के आने के लिए तो आपकी गलती आप सपोज नहीं देख के आओगे तो उसके बाद भी सपोज नहीं कैलकुलस पढ़ के आओगे तो भी चलेगा आज देख लो लेकिन वीडियो देख लो मतलब आज का लेक्चर तो देख लो कुछ ना कुछ आएगा ही ठीक है अब गाइस जिसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि
फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स बेसिकली मेथड से होता है, राइट? मतलब इमेजिनेशन, कंसिडर एप्लीकेशन एंड मेथड. तो मेथड मतलब क्या? मैंने जैसे बोला था, देयर आर नो फॉर्मूलाज इन फिजिक्स. देयर इज नो, सपोज इफ यू टॉक अबाउट काइनेमेटिक्स, अब तक हम लोग कितने फॉर्मुलेस पढ़े हुए? तीन फॉर्मुलेस, v इज इक्वल टू u + at, s इक्वल टू ut + half at square, और यही तो पढ़ा है ना, बाकी तो सब अपने डिराइव किया है उधर से, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको पता है ये तीन फॉर्मूले भी प्राइमरी फॉर्मूलेज नहीं है. तो अभी मैं आपको बोलूंगा ना काइनेमेटिक्स में कौन से तीन जो मेन फॉर्मूलेज है, मेन फॉर्मूलेज, बाकी उससे ही सब कुछ डिराइव होगा. ठीक है, उससे सब कुछ डिराइव होगा. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दीज आर द मेन थ्री प्राइमरी फॉर्मूलाज इन काइनेमेटिक्स. जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे ना, जो सबसे प्राइमरी है, वैसे ये वाले फॉर्मूलेज. देखो कौन से वाले, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. तीन ही तो टर्म देखे थे अपन ने, अपने पास कौन से टर्म अपन देखते थे? अपन देखते थे डिस्प्लेसमेंट. देखो मैं सारे टर्म्स लिख देता हूँ पहले. डिस्प्लेसमेंट थी, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, और वो सब टाइम के साथ बदलता है, बराबर ना? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम. तो आपको पता है तीन टर्म्स कौन से. अब मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा इंस्टेंटेनियस. आपको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है? हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, v होता है very small distance, that is ds upon kya? dt. So if it is velocity, then the s becomes displacement. If it is speed, it is distance, right? So v is equal to ds upon dt. ठीक है, वैसे मुझे बताओ instant in acceleration क्या होगा? dv upon dt. तो दो फॉर्मूले तो मेन वाले ये हो गए. v is equal to क्या हो गया? ds upon dt. a is equal to क्या हो गया? dv upon dt. अब थर्ड फॉर्मूला, मैंने बोला तीन फॉर्मूलास. अब तीन फॉर्मूले में थर्ड फॉर्मूले का थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ता है. मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन करता हूँ. यहाँ पे देखो, a इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं. आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेन रूल. आपको पता है ये जो फॉर्म होता है ना, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सर ds ds कट हो गया, तो इट इज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv / dt ओनली, जो बाद में वाला टर्म है, इट इज नथिंग बट चेन रूल. ठीक है, ये जो है ना, ये चेन रूल का एक्सप्लेनेशन है. अब वो कैसे क्या वो मत पूछो, अभी के लिए मान लो ये चेन रूल है, मैंने ये बताया था. ठीक है, तो dv upon ds and ds upon dt. So now what is ds upon dt? Velocity. भाई यहाँ पे ds upon dt को हम लोग क्या बोलते हैं? ds upon dt क्या बन गया? पहले देखो यार, velocity. ये velocity है यार, velocity है. तो इस चीज को मैं velocity लिख देता हूँ. ये velocity है, तो क्या बन गया? a की वैल्यू क्या हो गई फिर? v dv upon dt. हाँ, तो a is equal to, ये v है ना, तो v dv upon ds हो गया. समझ में आया? Yes. dv upon ds तो ऐसे ही रहेगा ना, v dv upon ds into v, मतलब v dv upon ds. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो मैंने बताया. अब आपको तीन फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे. मैंने बोला कौन से फॉर्मूले बताओ. ठीक है, तो किसी ने बोला सर कौन से फॉर्मूले, मैं यहाँ पे बॉक्स बना के रखता हूँ, ये दिमाग में डाल दो. ठीक है, और ये जो फॉर्मूलाज है, पहला v इज इक्वल टू कौन सा? ds upon dt. दिमाग में आना चाहिए डायरेक्टर, कभी भी v इज इक्वल टू ds upon dt दिमाग में आना चाहिए. a acceleration, a इज इक्वल टू क्या करेंगे? dv upon dt. And third, a is equal to v dv upon kya? ds. बस ये तीन फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है. हर एक काइनेमेटिक्स में हर एक चीज इससे डिराइव होती है, इससे डिराइव होती है. ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ. गाइज एग्जांपल सुनो, कैसे कैसे एग्जांपल आते हैं. ठीक है, एग्जांपल कैसे कैसे आते हैं वो देखते हैं. अब पहली चीज, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो. सो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट वन डायमेंशन मोशन, वन डी मोशन ही है. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन लिखोगे नहीं आप लोग. सो देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. सो देयर इज अ कार व्हिच इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो. इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार? जीरो. सो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड इट इज ट्रेवलिंग. ठीक है, इट इज ट्रेवलिंग along positive x axis like this, जो यहाँ पे दिया है, along a straight line. अब यहाँ पे दिया है the displacement of the car. So if the car, ठीक है, it has reached to this point at some time t, so displacement, this displacement is s, right? So this displacement and at time t it has reached to this point. ठीक है, now the displacement is given by this equation. Now I'll write the equation. ठीक है, displacement is given by this equation. एक मिनट लिखो जरा, equation लिख देता हूँ. 2t cube plus 3t, ठीक है, 3t square plus 4.
सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. ठीक है, अब बोला है, पूछा है, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 seconds. अब आपको समझ में आ रहा है? मुझे बताओ एट टाइम टी इक्वल टू 2 seconds का मतलब क्या? व्हाट इज एट टाइम टी इक्वल टू 2 seconds? Instantaneous. At time t is equal to 2 seconds, at that particular instant, what is the speed of the car and what is the acceleration of the car? Okay. So basically, V and A ke liye, what will you use? V is equal to what? Ds upon dt. A is equal to what? dv upon dt. भाई तो एकदम सिंपल है. तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ. ठीक है, यहाँ पे देखो. So first I will write V is equal to ds upon, wait a minute, I will use a different, चल ठीक है, अभी तो ये हो गया. V is equal to ds upon dt. ठीक है, so ds upon dt. So what is the derivative of 2t cube? 6t square. By 6t square, right? What is derivative of 3t square? 60. So you have to take the, just you have to take the derivative, right? Left hand side and both. V is equal to ds upon dt. So ds upon dt. And derivative of 4 is? Zero. ठीक है, so this is zero. So this is my velocity. What is my acceleration? dv upon what? dt. So you have to take the derivative again, right? So v in terms of t दिया है ना यहाँ पे. Now you have got what? In second equation, what you have got? You have got v in terms of t. So there is v in terms of t, right? मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि confusing है. Double derivative. 12t plus 6. Basically, it's double derivative, right? So, v is equal to dv upon dt. So, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12t plus 6. तुमको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने मुझे बताओ जो मैं कर रहा हूँ. अरे जस्ट आई एम टेकिंग डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव. एक बार डेरिवेटिव लो, दूसरे बार डेरिवेटिव लो. V in terms of t. Suppose if I have given, like, यहाँ पे देखो, जिनको नहीं समझ में आया मैं वापस यहाँ पे रब कर दूंगा. V is equal to, मैंने लिखा है 6t square. Plus 60 मैंने ऐसा लिखा. And if I ask you, take the derivative, that is dv upon dt. dv upon dt आपको नहीं आएगा क्या? ये आएगा, what is 12t plus what? 6. And what is dv upon dt? It is nothing but what? Acceleration, right? Yes, sir. समझ में? You are just taking derivative. तुम लोग, but आपको पता है कि what is dv upon dt? As I have already defined, dv upon dt is nothing but acceleration. ds upon dt is nothing but velocity. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये चीज़ है, मैं इसको भी रब कर देता हूँ क्योंकि ये मतलब आपको समझ में आ चुका है, राइट? अब एक काम करते हैं, ये हो गया, ठीक है? अब ये जो हो गया, इसमें अपन ने कर दिया, अब हम लोग टाइम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाँ नहीं, हाँ, अब टाइम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो एट टाइम टी इज इक्वल टू कौन सा टाइम पूछा है अपन ने? टाइम टी इज इक्वल टू क्या? 2. तो टाइम टी इज इक्वल टू 2 में कितना होगा वेलोसिटी बताओ? टाइम टी इज इक्वल टू 2 में कितना होगा? 6 × 2 square. देखो 6 × 2 के मतलब अरे टाइम की जगह 2 डाल दो. 6 × 2 square प्लस 6 × 2 कितना आएगा आंसर? 36. कितना? 36 मीटर पर सेकंड. समझ में आया? व्हाट इज एक्सेलरेशन? 12 × 2. तो 12 × 2 क्योंकि टाइम टी की वैल्यू 2 है प्लस 6 तो कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मुझे तो पहला एग्जांपल समझ में आया क्या तुमको? यस. ठीक है, तो एक काम करो, पहले फटाफट ये इतना जो पेज में लिखा है ना इसको लिखो फटाफट. चलो लिखो इसको. मैं आपको पहले मैं धीरे धीरे. हाँ बोलो बोलो सर. ये जो आपने किया है अभी टू गेट द आंसर, वो हम लाइक इससे सिमिलर कुछ लाइक स्टेप्स तो सेम ही है, सिमिलर कुछ हम लोग वो मिनिमा और मैक्सिमा में करते थे ना? नहीं कुछ नहीं, वो अभी अभी उसमें जोड़ो मत. मिनिमम मैक्सिमा जब आएगा तब आएगा, अभी तो इसमें कोई मिनिमम मैक्सिमा की जरूरत ही नहीं है ना. नहीं वो मेथड सेम है. नहीं मेथड, हाँ मेथड सेम है. पहले डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव और फिर सब्स्टिट्यूशन. हाँ लेकिन उसके साथ उसको ना वो मत करो, मतलब कोरिलेट मत करो. अभी के लिए v is equal to ds upon dt, a is equal to dv upon dt and a is equal to vdv upon ds, ये तीन ही चीजें दिमाग में रहनी चाहिए. तुझे ऐसा लगा कि एक सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव क्योंकि मैंने एस दिया? अभी मैं सेकंड क्वेश्चन में कुछ और पूछूंगा तब ऐसा नहीं होगा. ठीक है, ओके सर, थैंक यू. लिखो फटाफट लिखो. चलो सर. हाँ बोल भाई. सर ऊपर नीचे सर डी 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 कैंसिल होगा ना? मतलब सर
किधर भाई किधर? सर वो आपने डेरिवेटिव लिया ना, डी मतलब डेरिवेटिव लिया डीएस का, तो सर डीएस बाय डीटी आता है ना सर, तो डीटी को दूसरे साइड लेके गए सर, डीटी डीटी कैंसिल हो ना ऊपर और नीचे। कहां पे कहां पे किसकी बात कर रहे तू? सर जो ऊपर ऊपर ले है ना, एस इज इक्वल्स टू यूटी क्यू प्लस 3टी स्क्वायर, सर उसका डेरिवेटिव सर डीएस बाय डीटी आएगा ना सर, तो जब डेरिवेटिव आएगा तो सर डीटी को उधर लेके जाएंगे ना दूसरे साइड। क्यों लेके जाना है? नहीं लेके जाना है। अरे भाई डीएस अपॉन डीटी चाहिए ना तेरे को, अपने को वेलोसिटी पूछा है। देख इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, वेलोसिटी क्या पूछा है? एक्सेलरेशन ना, व्हाट इज वेलोसिटी? डीएस अपॉन डीटी ना तेरे को पूछा ही डीएस अपॉन डीटी, तो डीटी को उधर क्यों लेके जाएगा तू? जो पहले मैंने पढ़ाया था वो अलग था, वो सब कंबाइन मत करो। समझे क्या? सर ये क्या है इसका? क्या बोल रहे हो? का आपने लिखा ना 2t स्क्वायर क्यूब। हाँ कहाँ से आया सर? नहीं वो दिया हुआ है, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, ध्यान में रखना दिस इज गिवन, मैंने बोला ना दिस इज गिवन, दिस कंडीशन इज गिवन गाइस। हाँ सर। सर मुझे एक डाउट था, लाइक अभी v इज इक्वल टू ds अपॉन dt इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 0, तो आपने वो जो ब्लू पेन में लिखा है वेयर यू आर एक्चुअली सब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू 2, वहां पे सिर्फ t ओ 0 नथिंग सर, नथिंग, गॉट इट सर, थैंक यू। सर इधर v जो ds by dt लिया अपन ने वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है राइट? एंड एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, तो सेकंड एक्सेलरेशन कौन सा है? कहां पे सेकंड एक्सेलरेशन? a is equal to v dv by ds। नहीं वो एक फार्मूला है, वो बाद में यूज करेंगे अपन जब क्वेश्चन आएंगे ना, अभी पहले इतना लिखो। okay. उसका एप्लीकेशन भी आएगा। या थैंक यू सर। लिख के हो गया होगा तो मैं आगे का क्वेश्चन दे दूं, एक मिनट लो फटाफट और लिखो। हाँ सर। हो गया सर। हाँ ठीक है एक मिनट और दे रहा हूँ मैं। डन सर। ठीक है गाइस अब आगे बढ़ते हैं। हो गया आपका ये सब कुछ लिख के सबका?
अभी यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल टू आप खुद करोगे, ठीक है? सेम डे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? अ कार ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? द कार ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज इट्स डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय और हैज इट्स डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन, ठीक है? So the equation is this 2t square plus 4t plus 5. ठीक है? The displacement of the car is defined by this equation. So this equation is already given. Find the velocity and the acceleration of the car at time t is equal to 3 seconds. निकालो. निकालो गाइस और चैट पे आंसर डालो, चैट पे आंसर डालो। ठीक है गाइस, यहां पे देखो पहले क्या करना है, ठीक है? फर्स्ट व्हाट आई विल डू, कुछ कुछ लोगों ने आंसर निकाला है, चेक करो 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, राइट? सो फर्स्ट आई विल राइट दिस इक्वेशन, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे, ds, हां ds अपॉन dt, सो ds अपॉन dt इज नथिंग बट व्हाट, dt, हां सो ds अपॉन dt, सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट व्हाट, वेलोसिटी, सो वेलोसिटी, सो फर्स्ट आई विल टेक द डेरिवेटिव, वन फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है? आई विल राइट, देखो आई विल राइट s इन टर्म्स ऑफ t, देन इफ आई टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव ds अपॉन dt, ds अपॉन dt इज नथिंग बट व्हाट, वेलोसिटी व्हिच वी ऑलरेडी डिफाइंड, सो ds अपॉन dt इज यहां पे क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर इज 4t प्लस 4t का डेरिवेटिव इज 4 एंड डेरिवेटिव 5 इज 0, सो नाउ आई हैव गॉट द वेलोसिटी एज 4t प्लस 4, नाउ इफ आई आस्क यू एट टाइम t इज इक्वल टू 3 व्हाट इज वेलोसिटी, सो वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 3, टाइम t इक्वल टू 3 यहां पे डाल दो, 4 3 जा 12 प्लस 4 आंसर कितना आएगा, 16 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत है? नो सर, ठीक है? नाउ दिस इज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ 4t, मतलब दिस इज वेलोसिटी, सो आई विल राइट जस्ट वेलोसिटी 4t प्लस 4, नाउ अगेन आई टेक द डेरिवेटिव दैट इज dv अपॉन dt, इफ आई टेक द डेरिवेटिव अगेन, सो 4t का डेरिवेटिव इज व्हाट, 4 एंड 4 डेरिवेटिव ऑफ 4 इज कितना, 0, सो एक्सेलरेशन बिकम्स कितना, 4, सो एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, राइट? जीरो, जीरो क्या, डीए अपॉन डीटी जीरो, बट एक्सेलरेशन इज 4 कांस्टेंट, हाँ, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट? सो यहाँ पे मुझे बताओ ये जो मोशन है, ये मोशन, सो दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, राइट? सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मुझे बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो कैन वी यूज v इज इक्वल टू u प्लस at एंड ऑल दोस फॉर्मूलास, यस वी कैन यूज, सो दिस फॉर्मूलास आर वैलिड इन हियर, लेकिन हम लोग यूज नहीं किया इसमें क्योंकि इसमें कुछ अलग ही है, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए हम लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा था
जो भी हम लोग ने वन डायमेंशन टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें सब कुछ जो पढ़ा था वो था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आज का पता, आज का लेक्चर का नाम क्या था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सो एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, वन मिनट, it is non-uniform motion. So non-uniform accelerated motion का मतलब होता है acceleration. सर आपका आवाज कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, एक और है सर, मोबाइल के इसे बात करना, अभी आ रहा है और प्रॉपर आ गया। Yes sir, it's fine now. Yes sir. ठीक है, अभी आ रहा है प्रॉपर? यस सर, यस सर, ओके। सो बेसिकली हियर द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, नथिंग बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन इफ यू सी व्हाट इज एक्सेलरेशन, 20+6, इज इट यूनिफॉर्म? No, sir. So it is not uniform. So if this is not uniform, if the acceleration is not uniform, so it varies with time, right? It varies with time. So ये कौन सा motion हो गया था पिछले वाले question में? Non-uniform accelerated motion. ठीक है, चलो अब मैं आगे का question जाता हूँ। यहाँ पे देता हूँ मैं example 3. ठीक है, यहाँ पे example 3 ध्यान से सुनो example 3. Again the car is traveling along positive x-axis. So car is traveling along straight line along positive x-axis. Why? So it is one dimension motion. S is equal to, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है, तो डिस्प्लेस ऑफ द पार्टिकल, दिस इज गिवन, डिस्प्लेस ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, let's say अब दुख दर्द वाले लोग कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 2t², ठीक है, माइनस 12t, ओके, 2t² माइनस 12t प्लस 4, ठीक है, तो दिस इज गिवन। अब यहां पे देखो, फाइंड क्वेश्चन ध्यान से सुनो Find the acceleration of the particle when the velocity of the particle is zero. आप समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। S is equal to 2t² minus 12t plus 4 दिया हुआ है, ठीक है। Find the acceleration of this particular car or the particle when the velocity of that particular car is zero. So at particular instant when the velocity is zero, at that particular instant find the acceleration of the car. समझ में? खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। गाइस आवाज आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो ठीक है, तो करो फटाफट और चैट पे आंसर लिखो, देखते किसका मैथ सही है। सर, एक्सेलरेशन
यूनिफॉर्म है ना सर, मतलब जीरो आएगा ना एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना। कौन बोला भाई वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, क्या बोल रहे तू, क्यों जीरो है, क्यों वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं तो यूनिफॉर्म इज नथिंग बट कांस्टेंट। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या सब जगह? सोचो सोचो और करो ना, डायरेक्ट आंसर मत दो, डायरेक्ट आंसर कभी नहीं देना है। थिंक दो, आप दो चार मिनट लो और फिर उसके बाद चैट पे आंसर लिखो। एक्चुअली पता है आपको क्या है यहाँ पे गाइस? सर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सर। हाँ यहाँ पे, बट व्हाट टाइम, व्हाट टाइम द वेलोसिटी इज जीरो? वो टाइम निकल गया आपने, 3 सेकंड एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड। सो बेसिकली फर्स्ट व्हाट वी विल डू, s इज इक्वल टू क्या करेंगे तुम लोग, 2t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4 राइट। Then what is velocity? Velocity is ds upon dt. First, I'll take the derivative. So it is nothing but kitna 4t minus 12, right? And the derivative of 4 is 0. Now, when the velocity is 0, velocity 0 kab hoga? So velocity is 0 when? Velocity is 0 when 4t minus 12 is equal to 0, right? 4t minus 12, if I do this, okay? If I equate it to 0, the t is equal to kitna? 12 by 4, which is 3 seconds. So at 3 seconds, itna to mujhe pata chal gaya, at 3 seconds, the velocity of the particle becomes 0. Okay? So at particular 3 seconds, what is the acceleration? But yaha pe kya ho raha hai, in this particular question, acceleration is coming out to be kitna? Acceleration is, if I take the derivative, that is dv upon dt, so acceleration is coming 4 only. So acceleration is 4, it is independent of time, right? मुझे तो यहाँ पे सपोज समहाउ सपोज आंसर एक्सेलरेशन इक्वल टू 4t आता, ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन वुड हैव बीन 4t, देन इन दैट पर्टिकुलर केस देन व्हाट इज व्हाट वुड हैव बीन द एक्सेलरेशन, t की वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग, 12 सेकंड्स, हां t यू विल पुट 3 एंड 4 into 3 इट इज इक्वल टू 12, सो बिकॉज़ इन दैट पर्टिकुलर केस द एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन टाइम, सो एक्सेलरेशन इज इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, व्हेन द एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन टाइम इट बिकम्स व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। And that as time changes, like time t is equal to 2 hoga, 3 hoga, 4 hoga, acceleration changes. Because acceleration depends upon time. Yaha pe acceleration is 4. It is independent of time. To koi bhi time ho na yaar, independent of time hai. To acceleration ki value kitni hone wali hai? Kitne rehne wali hai? Constant. Constant, which is 4. So answer is 4. Main samjha nahi. Maybe sir. Ek minute. Mujhe ek baat batao yaha pe. Pehle... ओके okay, पहले तुम मुझे एक बात बताओ इसमें क्या नहीं समझा तुमको, तुमको ये समझा क्या एस कैसे निकालना है, वी कैसे निकालना है, ए कैसे निकालना है? हाँ सर, उतना तो निकालो, उतना तो निकालो। एस की वैल्यू, वी की वैल्यू कितनी है? 40 माइनस 12, और ए की वैल्यू क्या है? 4। फॉरगेट अबाउट वेलोसिटी बिकम 0, ये सब फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है, इतना तो आया। अब मुझे क्या बोला है इसने क्वेश्चन में, क्या पूछा है? फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन व्हाट इज जीरो, वी जीरो। आपको पता है वी को जीरो करेंगे तो कितना टाइम आएगा भाई, वी को टाइम करेंगे तो 3 सेकंड्स। तो मुझे क्या पूछा है, 3 सेकंड्स में एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछा है।
नहीं बट एक्सेलरेशन है कितना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है? एक्सेलरेशन टाइम इंडिपेंडेंट है इधर। नहीं एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे बताओ मुझे, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है? 4 मीटर। तो एक्सेलरेशन 4 ही है, वो कोई टाइम पे डिपेंड है क्या? नहीं नहीं है, तो बेसिकली उसका टाइम पे डिपेंड ही नहीं है, तो डायरेक्टली इसके फंसाने वाला क्वेश्चन था। इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू आने वाली कितनी है? 4, बिकॉज़ इट ऑलवेज 4, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं तो तुमको समझ में आएगा शायद, ठीक है? आगे बढ़ते रुको, एक क्वेश्चन में देता हूं इस ऐसी सेम टाइप का, उसमें क्यूब देना है सर तो आ जाएगा। क्यूब, हां वो क्यूब दूंगा तो आ जाएगा। सही बोला तुमने, ठीक है? अब यहां पे काम करते हैं, मैं क्यूब वाला देता हूं। सपोज s इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं यहां पे, देखो सब लोग सुनो, थोड़ा सा मैं उल्टा मतलब एग्जांपल 4 थोड़ा सा अलग करके देता हूं। s इज इक्वल टू, एक मिनट गाइस, टी क्यूब माइनस 12 टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4, हाँ ये दिया हुआ है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब यहां पे मैं उल्टा करता हूं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when acceleration is zero, समझ में आया क्या? हाँ, तो ये आंसर निकाल के मुझे बताओ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when acceleration ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, क्या करना है? ठीक है निवान, कोमल, दोनों करो जरा, मतलब ये तुम लोग बाकी लोग भी करो, लेकिन आप लोग को ये समझने के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है? ये थोड़ा सा मैंने अलग किया है, पिछले वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वहां पे वेलोसिटी जीरो था, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है? निकालो, चेक करते कैसे करना। So is my answer right? Okay, let me check your answer. One minute. Sir, answer every time positive आना जरूरी है? कुछ जरूरी नहीं भाई, किसने बोला है? जरूरी नहीं है, तो चलेगा ना? सब चलते हैं जिंदगी में। ठीक है निवान, चेक करना पड़ेगा तूने क्या किया है। इतने कुछ गलती किया, वापस एक बार देख निवान, तेरा टाइम कितना है? टाइम 6। नहीं नहीं नहीं, वापस एक बार देख, डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करके देख प्रॉपर तरीके से। गाइस यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, गाइस पहले यहाँ पे देखो, चलो गाइस जो भी लोग कर रहे हैं रुकाओ स्टॉप, ठीक है? यहां पे देखो सब लोग, ठीक है यहां पे देखो, पहले क्या करना है, फर्स्ट आई विल राइट माय इक्वेशन, s इज इक्वल टू व्हाट, t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 4, फर्स्ट आई विल राइट दिस, राइट? निवान तू बोल, व्हाट इज डेरिवेटिव, व्हाट इज ds by dt, व्हाट इज डेरिवेटिव, ds by dt 3t स्क्वायर, देन 4t माइनस उठ के, हाउ माइनस 2040 हां माइनस 2040, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4, 0, ठीक है हां, व्हाट इज एक्सेलरेशन नाउ, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, राइट?
I'll take an again derivative. So what is the expression here? Bata. वही नहीं समझा. नहीं, what is the acceleration? 60 minus 24. भाई एक मिनट कोमल तुझे नहीं पूछा है. V is equal to 3t square. मुझे एक बात बता निवान. V is equal to 3t square minus 24t दिया, right? And suppose if I ask you what is acceleration, so acceleration nothing but what? Again derivative, dv upon dt, right? Okay. You take the derivative again, na? Acceleration nothing but what? Dv. Now this velocity is written, velocity in terms of time t. Take the derivative again. So what is it? What is t square ka derivative? 60 minus 24. So I'll just write it here. 60 minus 24. So now, first you tell me, okay, only Nivan will answer. Baki koi nahi. First you tell me, acceleration is uniform. So this is uniform accelerated motion or non-uniform accelerated motion? Acceleration is uniform, acceleration is constant or it is variable? Think na, acceleration in terms of kya diya yahan pe? Acceleration is varying with time. So variable na? It is variable. Acceleration is variable because it is varying with time. Time yeah. alag alag dal, acceleration is alag alag aa raha hai, right? Haan, so it is variable. So it is variable. Ab now look at the question. Look at the question. Acceleration is variable. Yahan pe kya diya hai? Find velocity of the particle when what is zero? What is zero? Acceleration. हाँ देखो नाउ वेलोसिटी इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ टाइम टी एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी बट व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो सो व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो इसको मैं क्या करूंगा टू जीरो इसको जीरो करूंगा सो व्हाट इज टाइम टी 24/6 इज हाउ मच 4 सो टाइम टी इज इक्वल टू 4 में सो टाइम टी इज इक्वल टू 4 द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम्स जीरो आर यू अंडरस्टैंडिंग ओके हां समझ गया So at time t is equal to 4, the acceleration of the particle is it becomes. Hello, sir. So we can't hear you. Exactly. 3 into. Sir. हाँ बोलो. आवाज पूरा गायब था आपका. Sir, पूरा आवाज गायब हो गया था. Yes, sir. नहीं पता अभी आया ना प्रॉपर अभी आया तो पता नहीं वो ऐसे ही हुआ होगा 3 into 4 square minus 24 into 4 बस ये मेरा आंसर है माइनस 48 माइनस कितना 96 तो माइनस 48 मीटर 48 मीटर पर सेकंड तो ये दिस इज माय वेलोसिटी समझ में आ रहा है मैं इस क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है यस सर ठीक है आगे बढ़ो लिखो इसको चाहिए तो लिख लिया सर लिख लिया ना सर इधर आंसर में माइनस 48 ही लिखना है कि मैग्नीट्यूड लेना होता है नहीं माइनस 48 लिख दो अभी ओके अभी के लिए क्वेश्चन में अगर मेंशन किया रहेगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी देन यू विल राइट प्लस 48 ठीक है आगे बढ़ेंगे यप यस सर ठीक है अब मुझे एक बात बताओ हम लोगों ने क्या देखा फर्स्ट माय इक्वेशन लाइक यहां पे देखो सब लोग यहां पे देखो माय एसटी इक्वेशन व्हाट इज एसटी इक्वेशन मतलब क्या एस इन टर्म्स ऑफ टी राइट दैट इज कॉल्ड एसटी सो When ST equations are, suppose if the ST equation is given, if I want to find VT equation, what you do guys? Differentiate? Derivative karte hain? Yes, ST se VT ke liye what you do? Derivative. VT se AT ke liye what you do? What you derivative. So if you do derivative from ST to VT, if you do derivative of ST, you'll get VT. If you take the derivative of VT, you'll get AT. तो देखो नीचे उतरते वक्त एस टी वी टी ए टी यूनिट डेरिवेटिव तो थोड़ा सा गेस मारो एटी से वीटी वीटी से एस टी जाना है तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो इसलिए तब इंटीग्रेशन आएगा अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ ठीक है अब उल्टा क्वेश्चन देखो यहाँ पे एग्जाम्पल वन में यहाँ पे एग्जाम्पल वन लिख देता हूँ ठीक है आपको समझ में आ जाएगा मतलब चाहिए तो हम लोग ऐसा लिख के रखते हैं इधर से इधर क्या करना पड़ेगा मैं इधर लिख देता हूँ यूनिट इंटीग्रेशन
समझ में आया? अब वो देखते हैं ना, मतलब ऐसे अलग अलग क्वेश्चन देते हैं तो तुमको समझ में आएगा कि क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल वन करते पहले इंटीग्रेशन का. सपोज ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैं एकदम ए इज इक्वल टू दिया है मैंने 3t. क्या दिया है? ए इज इक्वल टू 3t. और यहां पे दिया है, सो दिस इज गिवन एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज इक्वल टू जीरो एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिमिट्स आर इंपॉर्टेंट. अब इस क्वेश्चन में लिमिट्स इंपॉर्टेंट है. फाइंड यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द कार एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार. देखो ये दोनों चीजें मुझे निकालनी है एट टाइम t इज इक्वल टू 2 seconds. देखो ये क्वेश्चन कैसा है. वॉट इज गिवन, जो मैंने ये जो दिया है, दिस इज गिवन कंडीशन एंड वॉट देव आस्क, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. सॉरी, वॉट इज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार एट टाइम t इज इक्वल टू कौन सा सेकंड? 2 सेकंड एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, कुछ ना कुछ क्या होगा उस पॉइंट पे वेलोसिटी होगा, वो पूछा हुआ है. करेंगे क्या? ठीक है, करेंगे क्या? मुझे बताओ क्या चीज दिया है. फर्स्ट व्हाटएवर इट इज गिवन, लाइक आई विल जस्ट राइट इट डाउन. तो a इज इक्वल टू, आई विल जस्ट राइट 3t. ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट यू नो. आप लोग को पता क्या है? a इज इक्वल टू 3t लिख दिया, उसके बाद करेंगे क्या? कैन यू टेक डेरिवेटिव? डेरिवेटिव पॉसिबल है क्या इसका? नो सर. डीए अपॉन डीटी मिलेगा क्या? मतलब वो कुछ पता ही है ना, dA upon dt कुछ होता ही नहीं है. ठीक है, अपने तीन फॉर्मूले कौन से थे भगवान वाले? कौन से तीन? दो तीन फॉर्मूले मैंने बताए थे. v इज इक्वल टू व्हाट? ds अपॉन dt. देखो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, चाहे तो v इज इक्वल टू ds अपॉन dt ये था. फिर क्या था? a इज इक्वल टू क्या था? dv अपॉन dt. एंड a इज इक्वल टू क्या था? v dv अपॉन dt. तो ये तो अपने को अभी तक मैंने कुछ यूज ही नहीं किया है. अभी तो अपन सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एचटीवीटी एटी के बारे में बात कर रहे हैं. थर्ड का इक्वेशन मैं बाद में बताऊंगा आपको. हाँ, तो मुझे बता अभी कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 करेंगे या 2 करेंगे? 2, क्योंकि भाई ए दिया है ना. तो ए दिया है तो यहाँ पे ए के जगह अपन क्या डाल सकते हैं? मुझे बताओ ए के जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं? डीवी अपॉन क्या? आप समझ में आ रहा है? 3t को ऐसे ही रख दो. कोई दिक्कत है क्या इसमें? अभी तक जो मैंने किया वो दिक्कत है कोई अभी? हाँ, तो अब मुझे होता है a को dv अपॉन dt लिखा. अब मुझे होता है dt को इधर लेके जाओ. गाइस dt को इधर लेके जाओ, क्या लिखेंगे? dv की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3t square मत बोलो भाई, 3t into dt. ठीक है, 3t into क्या? dt. अब मुझे बताओ क्या इसको, कैन वी इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? Yes, मैंने बोला था ना, मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो अपन क्या करेंगे, दोनों जगह पे क्या सिंबल डालेंगे इंटीग्रेशन का. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनिशियल लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? वेलोसिटी है. राइट हैंड साइड में क्या है? टाइम. सो इनिशियल लिमिट्स, इनिशियल लिमिट मतलब क्या? उसके लोअर लिमिट्स. सो यहाँ पे दिया है ना एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? ऊपर देखो जीरो. सर टाइम t इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज कितना? जीरो. बोला है एट टाइम t इज इक्वल टू t, फाइनल वेलोसिटी v कितना होगा ये निकालना है. ठीक है, तो मेरा v आ गया, t आ गया, ये सब कुछ मैंने कर दिया. मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है क्या गाइस? पहले मुझे बताओ इसमें किसी को डाउट है तो मैं अभी वापस. हां सर, वो v t 0 0 वो कहां से लिया, कैसे लिखा? यहां पे दिया है ना, एक बार रिपीट कर देना. हां, देखो यहां पे एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? At time t is equal to zero, what is initial velocity? Zero. दिया है ना, दिया है ना यहाँ पे. ऊपर देखो ना, यहाँ पे दिया है. At time t is equal to zero, initial velocity is zero. So at time t is equal to zero, at time ये 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 zero है. ठीक है. So at time t is equal to zero, what is initial velocity? Sir, zero नहीं होता तो कैसे आता? हाँ, तो वो भी करेंगे. Zero नहीं आता. Suppose मैंने बोला at time t is equal to zero, let's say initial velocity is not zero. ठीक है. If I change this. Suppose if I change this to the attempt equal to, let's say initial velocity of the car is 2 meter per second. तो कहाँ पे change होगा मुझे बताओ, कहाँ पे change होगा? At time t equal to zero. ये इधर change होता है ना, इधर zero के जगह क्या आता? Two आता. अब समझ में आ रहा है? सर लेकिन zero नीचे ही क्यों लिखा, ऊपर क्यों नहीं? वो lower limit है ना. There is something called initial limit and final limit. Lower limit मतलब क्या?
जो नीचे इनिशियल लोअर लिमिट मतलब क्या स्टार्ट वाला ना लोअर लिमिट इज लाइक इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट फाइनल लिमिट राइट इनिशियल लिमिट मतलब क्या इनिशियली तो ऐसा होता है कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से कार स्टार्ट हुई आगे जा रही है तो इनिशियल लिमिट जीरो या टू है टू सेकंड्स के बाद है इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट राइट यू इज इनिशियल वेलोसिटी ना इसमें तो समझ में आ रहा है ना तो लिमिट ऐसे डालना है अब ऐसे लिमिट डालने के बाद अपन क्या करेंगे इसका इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन करो जरा थ्री टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ब्रैकेट डालते हैं ऐसे ऐसे लिमिट डालते जीरो से टी बराबर ठीक है और उसके बाद एक मिनट ये अभी मैं टू हटा देता हूँ क्योंकि ये काम का नहीं है ये जस्ट समझाने के लिए किया था मैंने ठीक है मैं एक क्वेश्चन दूंगा ना मैं एक क्वेश्चन दूंगा तो आपको समझ में आएगा पहले इतना पहले मुझे बताओ इतना जो मैं कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है व्हाट इज डीवी का इंटीग्रेशन व्हाट इज डीवी का इंटीग्रेशन वी डीवी का इंटीग्रेशन इज वी डीवी का इंटीग्रेशन इज वी लिमिट फ्रॉम हेयर टू वेयर अगेन जीरो टू वी ठीक है सो नाउ फर्स्ट आई विल पुट वी देन आई विल पुट जीरो तो वी माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया फर्स्ट आई विल पुट टी एंड देन आई विल पुट जीरो तो थ्री टी स्क्वायर बाय टू एंड माइनस क्या हो जाएगा जीरो डालेंगे तो जीरो ही आएगा ना yes, तो मुझे क्या मिल गया मुझे क्या मिल गया व्हाट इज वेलोसिटी मुझे वेलोसिटी का वैल्यू क्या कितना मिल गया वी की वैल्यू कितनी मिल गई थ्री टी स्क्वायर बाय टू सो आई हैव गॉट द वेलोसिटी राइट आई गॉट द फ्रॉम एक्सेलरेशन टाइम आई हैव गॉट व्हाट वेलोसिटी टाइम लिखा है ना मैंने यहाँ पे फ्रॉम एक्सेलरेशन टाइम इफ यू वॉन्ट टू गेट वेलोसिटी टाइम व्हाट यू डू इंटीग्रेशन मिल गया है ना भाई yes, देखो उल्टा पता है सबसे इजी क्या था डेरिवेटिव सबसे इजी होता है आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डेरिवेटिव सबसे इजी होता है डेरिवेटिव मतलब कैसे डेरिवेटिव करते जाओ तुमको एस टी से वीटी वीटी से एटी मिलते जाएगा बट इफ यू हैव गिवन एटी इक्वेशन एंड इफ यू आस्क टू कैलकुलेट एस टी इक्वेशन देन यू वॉट इंटीग्रेट नाउ वी हैव गॉट वीटी इक्वेशन हाउ टू गेट एस टी इक्वेशन मुझे बताओ अब वीटी आ गया वीटी से एस टी भी चाहिए मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम चाहिए तो मुझे और क्या करना पड़ेगा क्या लिख रहा हूँ ये ऐसी लिखा फिर डी टी को यहाँ पे लिखे गए तो डीएस की वैल्यू क्या आ गई थ्री टी स्क्वायर बाई टू टू क्या आ गई dt अब मुझे बताओ क्या करोगे इसमें अब मुझे बताओ क्या करोगे दोनों जगह पे इंटीग्रेशन देन आई विल पुट माय लिमिट्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार क्या दिया यहां पे एट टाइम t इज इक्वल व्हाट डिस्प्लेसमेंट 0 तो आई विल पुट 0 हियर एट टाइम t इज इक्वल टू t डिस्प्लेसमेंट इज s देन इंटीग्रेशन अगेन नॉर्मल इंटीग्रेशन यू हैव ds इज s लिमिट्स फ्रॉम 0 टू s देन इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन क्या होता है t cube by 3, right? 3, 3 cancel. Yes. So answer क्या है? t cube by क्या? 2. देखो ना integration आएगा. मतलब ये आप खुद करो. 0 से t. Then I will put initial limit, final limit. तो ये 2 भी cancel होगा ना? t cube by 3 होता है ना integration. 3, 3 cancel हो जाएगा. S minus 0 check करो तुम लोगों तो check करो. उतना तो math तुम्हारा अच्छा है ही. ऐसा मैं मानता हूँ. ठीक है? तो मुझे बताओ यहाँ पे आंसर क्या आया आंसर क्या आया एस की वैल्यू कितनी आई एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई टी क्यूब बाय व्हाट टू एंड व्हाट इज वेलोसिटी वेलोसिटी कितनी आई थ्री टी स्क्वायर बाय टू मेरा आंसर है थ्री टी स्क्वायर बाय टू ये समझ में आ रहा है तुम लोग को मैंने ये मेरा आंसर है बेसिकली हाँ इसमें फिर टाइम टी इज इक्वल टू डाल दो ना यार तुमको जो आंसर पूछा है टाइम टी इक्वल टू में जो टू यहाँ पे डाल दो तो आंसर क्या आ जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू पे तो वेलोसिटी टाइम इक्वल टू क्या आएगा v इज इक्वल टू क्या जाएगा 3 इनटू क्या 2 स्क्वायर बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड ठीक है एंड व्हाट डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वल टू व्हिच इज 2 क्यूब बाय 2 व्हिच इज कितना 4 मीटर समझ में आ रहा है तुमको ये टाइम t इज इक्वल टू 2 यहां पे डाल देने ये 2 पे पूछा है लिखो पूरा इसको गाइस इसको समझ के लिखो सर जो t दिया है तो हम डायरेक्टली लिमिट में डाल सकते हैं ना इक्वल टू 2 दिया है तो वी कैन डायरेक्टली पुट दिस t इक्वल टू इन द लिमिट बट मुझे सिर्फ इक्वेशन चाहिए था आई नीड दिस इक्वेशंस आल्सो
Suppose if I ask you attempt is equal to 3, attempt is equal to 3, attempt is equal to 4. If I ask you like for 3 times, तो क्या करना पड़ेगा? 3 बार integration करोगे क्या? नहीं ना? क्या करोगे तुम लोग? You'll find generalized form. V in terms of T, S in terms of T, and then you'll put T2 एक बार 3, एक बार 4. समझ में? मुझे बताओ भाई, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सर यस सर, थोड़ा थोड़ा। चलो एक काम करते, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, अभी नहीं, अभी ये बाद में लिखो, लिखने का था। हाँ लिखो ना, लिखो ना, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, तुमको समझ में आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे सब लोग सुनो, सब लोग सुनो गाइस, गाइस यहाँ पे सब लोग देखो, फिर दोनों एग्जाम्पल देखो, दोनों एग्जाम्पल एक साथ लिखोगे। एक्सेलरेशन दिया है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन दिया है 3t2, क्या दिया एक्सेलरेशन? 3t2, एंड एक काम करते, रुको, एक्सेलरेशन को ये नहीं देते, 3t2 ही देते, चलो। एंड एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज गिवन 2 m/s एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज जीरो, ठीक है, find the equation of velocity and displacement, find equation of velocity and displacement, ठीक है? तो मुझे बताओ पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे, अपना क्या था पहले, a is equal to क्या होता है, a is equal to 3t2, पर a के जगह क्या डालेंगे तुम लोग, a के जगह क्या डालेंगे, dv upon dt, क्योंकि वही करना पड़ेगा, कुछ और कर ही नहीं सकते, फिर dt को यहाँ पे लेके गए, तो dv की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3t2 क्या आ जाएगी, dt2 dt. अब मुझे था इतना होने के बाद व्हाट विल डू, इंटीग्रेशन। अब मुझे बताओ एट टाइम t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, 0 है या 2 है, 2, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज कितना, 2, समझ में, लोअर लिमिट समझ में कैसे डालने हैं, यस सर, तो एट टाइम t इज इक्वल टू t व्हाट इज वेलोसिटी, v, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, वी होता है, लिमिट्स कितना कितना डालेंगे, 2 और v डालेंगे, और व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3t2, t³ 3 कैंसिल, तो यहां पे क्या आएगा, सिर्फ t³, लिमिट्स कहां से कहां पे जाएंगे, 0 से t, तो अब मुझे बताओ एक बार v डालो एक बार 2 डालो, तो आंसर क्या आएगा, v - 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, t³ - व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना आएगा, हां t³ - 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, t³ + 2, आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा अभी, ये वाला, यस सर, यस सर, यस सर, हेलो, सो वी कांट हियर यू अगेन, मैं सुनने में आ रहा है क्या, अभी आ रहा है, ओके, अभी अभी मुझे होता है, ये समझ में है तुमको मैंने क्या लिखा है, क्या किया है, यस सर, यस सर, ठीक है, नाउ वंस यू हैव गॉट दिस, वंस यू हैव गॉट दिस इक्वेशन, आई विल राइट दिस v इज इक्वल टू व्हाट, आई विल राइट t³ + 2, नाउ सपोज इफ आई वांट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, सो व्हाट आई विल डू, इंस्टेड ऑफ v आई विल राइट व्हाट, ds / dt, राइट, देन आई विल टेक dt दिस साइड, तो क्या लिखेगा यहाँ पे, ds इक्वल टू क्या लिखेंगे, t³ + 2 * क्या होगा, dt, ठीक है, एंड देन व्हाट आई विल डू, देन आई विल डू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, सो इंटीग्रेशन, मुझे बताओ एट टाइम t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 0, देखो यहाँ पे ये दिया है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 दिया, इनिशियल लिमिट 0 दिया है, एट टाइम t इज इक्वल टू t डिस्प्लेसमेंट कितना है, s, तो बस यहाँ पे एक बार क्या डालो, इंटीग्रेशन ds इज s, तो s का लिमिट डालेंगे फ्रॉम 0 टू s, एंड व्हाट इज t³ का इंटीग्रेशन, t टू द पावर 4 बाय 4 प्लस व्हाट इज इट, यू हैव 2 ed 2t इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स फ्रॉम 0 से t, एक बार t डालो एक बार 0 डालो, एक बार s डालो एक बार 0 डालो, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, s - 0, और यहाँ पे एक बार t और 0 डालो, तो आंसर क्या आएगा, t टू द पावर 4 बाय 4 प्लस क्या आएगा 2t, और एक बार 0 डालेंगे तो आंसर पूरा का पूरा 0 ही आएगा, समझ में आया, 0, ठीक है, तो व्हाट हैव यू गॉट,
देयर आर टू इक्वेशंस वी हैव गॉट. वी हैव गिवन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या दिया था अपने को, थ्री टी स्क्वायर, जिसको मैंने इंटीग्रेट करा के मैंने क्या लाया, वी की वैल्यू कितनी लाई, टी क्यूब प्लस क्या लाया, टू. इसको मैंने वापस इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिला, एस इज इक्वल टू टी टू पावर फोर बाय फोर प्लस क्या मिला, टू टी. समझा, ये अभी समझ में आएगा तुमको? यस सर. तो फ्रॉम एटी टू वी टी, वी टी टू एस टी, वॉट यू नीड, इंटीग्रेशन. उल्टा एस टी टू वी टी टू एटी, वॉट यू नीड, डेरिवेटिव. आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? आई होप अभी ये सेकंड क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा आपको और चमका होगा. तो अभी आप लिखोगे, लिखते लिखते आप और समझोगे. ठीक है, चलो लिखो अभी एग्जाम्पल वन एंड एग्जाम्पल टू लिखो जरा. एग्जाम्पल वन, ये भी सब लोग लिखो, एस टी टू वी टी, वी टी टू एटी डेरिवेटिव लिखो, एटी टू वी टी, वी टी टू एस टी इंटीग्रेशन लिखो अलग से. ठीक है, और अपने तीन मेजर फॉर्मूले जो थे ये अपने को हर बार दिमाग में रखने, क्योंकि ये अपने मेजर फॉर्मूले है. v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी. ठीक है, ये करना ही है भाई. टी टू द पावर फोर कैसे आया, उसके लिए देखो इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा. मुझे एक बात बताओ यार, ये ऐसे कैसे आया, टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब क्या होता है, टी क्यूब डी टी क्या होता है, t टू द पावर 4 बाय 4 भूल गए क्या भाई. जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता, पहली बात इंटीग्रेशन जिनको नहीं आता, जाके मैंने आपको कैलकुलस पढ़ने को बोला था. ठीक है, वो कैलकुलस नहीं पढ़ोगे तो सब समझ में नहीं आएगा, कुछ फायदा नहीं है. करोगे लिखो इसको. करता हूं मैं, एक मिनट पहले लिखो यहां पे, लिखो उसके बाद मैं करता हूं. नेक्स्ट स्लाइड.
लिख के हो गया क्या गाइस आपका सबका है? यस सर। यस सर। यस सर। आज कोई ब्रेक नहीं दूंगा मैं, जल्दी खत्म कर देंगे अपन, ठीक है? लगा दे, क्योंकि ढाई घंटा, टू एंड हाफ आवर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पे, मतलब इसमें, तो मैं एक साथ करके खत्म कर दूंगा, दो तीन क्वेश्चन पूछेंगे और अच्छे से, और एक फाइनल डेरिवेशन है वो करके खत्म कर देंगे। अगले लेक्चर में ग्राफ के पहले खत्म हो जाएगा ना सर? हाँ, दिवाली के पहले खत्म हो जाएगा। हाँ, दिवाली के पहले अपना ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अभी अगले लेक्चर ग्राफ होगा, इसी का आगे का वर्जन है ग्राफ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, जिन लोग का नहीं लिख के हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब वो लिखेंगे अपने अपने हिसाब से, स्क्रीनशॉट ले लो, लिया होगा आपने शायद, मोस्ट प्रोबब्ली। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिखो इसको फटाफट, इसको भी लिख दो।
गाइस हो गया लिख के हो गया क्या? यस सर। यस सर। ओके आगे क्वेश्चन दूं मैं, क्वेश्चन दूं गाइस, खुद को आप खुद करो क्वेश्चन को सॉल्व। यस सर। यस सर। ठीक है चलो करते हैं, मतलब तुम करो, तो लेक्चर ही खत्म हो गया भाई। So we have a class till 1 or 1:30? Huh? We have a class till 1 or 1:30? One. Okay, sir. Example 3, ठीक है? और थोड़ा सा अलग दे रहा हूं मैं, velocity of the particle is given, so velocity of the particle is given 3 या let's say 2t plus 4, so this is the velocity of the particle. ठीक है, सो कार ट्रेवलिंग इन अलोंग स्ट्रेट लाइन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द वेलोसिटी ऑफ द कार इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, इज दिस इक्वेशन। ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज लेट्स से, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज लेट्स से 2 meters। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज लेट्स से 2 meters। ठीक है, पूछा है फाइंड एक मिनट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू लेट्स से 2 seconds। क्वेश्चन समझ में आया तुमको? यस सर। सो दिस इज गिवन कंडीशन, इधर तक गिवन कंडीशन, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 2 meters। At time t is equal to 2 seconds, what is the displacement and what is the acceleration of the particle? ठीक है, and velocity दिया हुआ है, देखो v is equal to 2t plus 4 दिया है। Think and do the question, ठीक है? आपको सोचना है थोड़ा सा। Write down our basic equations, that is a v is equal to ds upon dt, a is equal to dv upon dt. Think and do the question. I'll give you 4 to 5 minutes. आराम से करो, 4 से 5 minutes दे रहा हूँ मैं, ठीक है?
ठीक है गाइज, गाइज यहां पे देख लो सब लोग, आवाज आ रहा है क्या सबको गाइज? यस सर। ठीक है, तो यहां पे पहले मुझे बताओ v इज इक्वल टू 2t + 4 दिया है। सो देखो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे पता है, जो भी अपने को इक्वेशंस पता है ना, विल राइट इट डाउन। तो v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच इज अ वेरी बेसिक इक्वेशन। देन अगेन आई विल राइट माय बेसिक इक्वेशन dv अपॉन dt, सो दिस टू इक्वेशंस आई विल राइट। ठीक है, अब मुझे तो क्या करना है, इसमें क्या करना पड़ेगा सर? तो मुझे बताओ ds का dt सर, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों लेना है। हां, इसमें इंटीग्रल डेरिवेटिव दोनों है, क्योंकि आपको पता है ना, मतलब आपको मैंने एक चीज बताई थी, व्हेन st vt और at में, ठीक है, जब हम लोग नीचे आते हैं, इफ आई वांट सर लाइक एक्सीलरेशन निकालने के लिए, सर एक्सीलरेशन निकालने के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और सर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो व्हेन यू कम डाउन यू टेक डेरिवेटिव, व्हेन यू गो अप इट इज इंटीग्रेशन। तो मैंने बोला था, तो एकदम सिंपल सी बात है यार, vt दिया है अपने को, इन बिटवीन वाला चीज दिया है, vt दिया है। अब ध्यान में रखना v इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है, so I'll just write it down, v is equal to 2t + 4, so this is given, right? So now suppose if I take the derivative of this, I'll get the a is equal to what, dv upon dt, which is equal, which is nothing but what, what is dv upon dt? Acceleration, right? 2, it is kitna 2, so acceleration to directly mujhe mil gaya, sabse easy tha na, dekho na derivative bahut easy hota guys, kuch nahi hota, theek hai, theek hai, to a is equal to 2 mil gaya। Ab second kya pucha hai bata, second kya pucha hai mujhe? Displacement, so I have got my acceleration, acceleration to ho gaya mera, theek hai, velocity is equal to 2t upon 4, so ab yahan pe v ke jagah main kya likhunga, what I will write, ds upon dt, dt which is 2t + 4, then I will bring dt this side, so ds is equal to 2t + 4 dt into kya ho jayega, dt ho jayega, derivation then integration both sides, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, ds का इंटीग्रेशन इज s, लिमिट्स आर फ्रॉम 2 टू s, देन 2t + 4 का इंटीग्रेशन इज, देखो मैं अच्छे से लिखता हूं, 2t² / 2, जो 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहां पे 4t, ठीक है, लिमिट्स फ्रॉम 0 से t, सपोज इफ आई पुट इट हियर, आई विल गेट s - 2, ठीक है, इज इक्वल टू 14, इज इक्वल टू t² + क्या, t² + 4t, बराबर ना? तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू कितनी आएगी, t² + 4t प्लस क्या हो जाएगा 2, सो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं?
I've got both the values. A is equal to मेरा 2 आ गया, वो तो constant ही है, and s equal to वो आ गया. इसके बदले में मुझे suppose s का time, s का मुझे क्या निकालना है? Time t is equal to किस पे निकालना है? 2 seconds पे. तो s 2 is equal 2 seconds पे कितना आएगा? 2 square 14 plus 4 meter. Into 2 plus 2. तो answer कितना आएगा यहाँ पे? 14 meter. 14 meter. कोई दिक्कत है मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? Yes sir. हाँ sir आ रहा है. ठीक है, तो मतलब मैं क्या करता हूँ, आइदर मैं क्या करता हूँ इंटीग्रेशन करता हूँ, नहीं तो मैं क्या करता हूँ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव मैं आइदर इंटीग्रेशन करता हूँ डेरिवेटिव करता हूँ. ठीक है, इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव ध्यान में रखना. देखो ये एक्चुअली इस पूरे मतलब सेशन में ना एक्चुअल में देखा जाए तो इतना ही है. जब मैं ग्राफ्स पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में ग्राफ का भी समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, लास्ट का एकदम पार्ट बचा हुआ है, सुन लो फटाफट. एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, पहले ये आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ू मैं? यस सर. यस सर. चलो थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कौन करता है. ठीक है, ये क्वेश्चन कौन करता है देखते हैं. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा अच्छा है, दिमाग लगाना पड़ेगा. एग्जाम्पल 4 थोड़ा सा अच्छा है. यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू लिखा है. ठीक है, ध्यान से देखो, तुम लोग का लॉग हो गया क्या? लॉग गाइस लॉग हुआ है क्या तुम्हारा सब में? लॉगरिथम? यस सर. यस सर. यस सर. चलो ठीक है, लॉग पे नहीं देता मैं, क्योंकि यार पता नहीं कुछ लोग का नहीं हुआ होगा, हुआ होगा मुझे पता नहीं. एक्सेलरेशन दिया है कितना दिखा, देखो क्या दिया है एक्सेलरेशन कितना दिया है देखो. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू कितना दिया है? 2 इंटू क्या दिया है? v स्क्वायर दिया है. ठीक है, एक्सेलरेशन 2 इज इक्वल टू v स्क्वायर दिया हुआ है. यहाँ पे पूछा है फाइंड वेलोसिटी v at time t is equal to, मतलब find velocity v, बस ये velocity v निकालना है, बस मतलब equation निकालना है. velocity v का equation यहाँ पे निकालना है. ठीक है, velocity v का equation निकालना है at time t is equal to zero. मैं यहाँ पे वापस यहाँ पे लिख के रखता हूँ, time t is equal to zero initial velocity of the particle is let's say 2 meter per second. ठीक है, बताओ मुझे यहाँ पे क्या करोगे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? करो मतलब करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, बताओ जरा. और सर ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है ना कि इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी ही आएगा? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ लाइक मतलब पूछा हुआ है कि वेलोसिटी
अलग अलग टाइम पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखो क्या होगा। ठीक है गाइस, आपने सोच लिया, काफी सोच लिया, किसी का कुछ हुआ है क्या, कुछ किसी का कुछ कर रहे हैं कुछ जुगाड़? थोड़ा फार थोड़ा हो गया तो क्या बता सकता हूँ? हाँ बोल, क्या किया तुमने? ओके सो हम लोग एक्सेलरेशन को चेन रूल के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो फिर वो मतलब dv by ds into ds by dt is equal to 2e square, मतलब v into ds by dt is 2e square। ठीक है, इसके इसके दो पॉसिबिलिटीज है एक्चुअली, इसमें ना दो टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ s भी आ सकता है, ठीक है, एंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम भी आ सकता है, ठीक है। चलो अब इसने जो पकड़ा है उसके ऊपर ही लेके अपन मतलब अलग अलग पहले करते हैं। मुझे बोला a, a को अपन किस हिसाब से लिख सकते हैं, मुझे बताओ a को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? एक तो नॉर्मल नॉर्मल साधा dv अपॉन dt, चलो dv अपॉन dt लिख देते हैं, dv अपॉन dt लिखते हैं 2v स्क्वायर। पहले तो मुझे बताओ ये तो समझ में आया क्या मैंने जो लिखा है वो? यस बट इसके बाद ना एक पंगा है, इसके बाद एक पंगा है गाइस, मुझे एक बात बताओ इस केस में, हाँ इस केस में dt को यहाँ पे लेके आएंगे तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? नो सर, नो। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ गाइस, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं जब v स्क्वायर को यहाँ पे लेके आएंगे, तो तुम यहाँ पे लेके आ ही सकते हो ना, v स्क्वायर को यहाँ पे लेके आओ, dt को वहां पे लेके जाओ, यार भाई ये नहीं होता क्या? ओ या फिर लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? माइनस क्या सॉल्व कैसे करेंगे? अब तू मुझे बता, इंटीग्रेशन करना है इसको, इंटीग्रेशन नहीं कर सकती क्या तू? टी आएगा यहां से, अब यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू क्या? टाइम t इज इक्वल टू 0, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 2 एट टाइम t इज इक्वल टू t, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? v। अब व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे एक बात बताओ यार, मतलब तुम लोग भूल गए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर dx क्या होता है? x टू द पावर, यहां पे x टू द पावर -2 लिखते हैं ना इसको, 1 बाय x स्क्वायर को क्या लिखते हैं अपन? x टू द पावर क्या लिखते हैं? x टू द पावर -2 + 1 एंड -2 + 1, भाई यही तो होता है ना इंटीग्रेशन, मतलब कितना वो -2 + 1 की वैल्यू कितनी है? -1 और यहां पे -1, यहां पे x टू द पावर -1 / -1, तो आंसर क्या आया बेसिकली? -1 / x। देखो मतलब आपका ये आपको नहीं आ रहा है, मतलब आपका क्या वी के इंटीग्रेशन भूल गए होगे, इंटीग्रेशन आप भाई इंटीग्रेशन भूलो मत। तो बेसिकली मुझे होता है इसके इंटीग्रेशन क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, डीवी बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है? -1 / क्या? वी। ये -1 / v कैसे आया वो आपको खुद को करना है, वो आपका मैथ्स का प्रॉब्लम है। लिमिट डालेंगे 2 to v और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt क्या हो जाएगा? 2t लिमिट आएगा 0 से t। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है गाइस? यस सर। चलो एक बार v डालो, एक बार 2 डालो, माइनस साइन चाहिए तो बाहर निकालो, तो माइनस साइन बाहर निकालो, मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस साइन बाहर निकाल के, माइनस साइन बाहर निकालो, एक बार v डालो तो एक बार 1/v आएगा, दूसरे बार क्या आएगा, एक बार 2 डालो, एक बार 2 आएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पे? 2t, ठीक है, 2t - 0, बस यही तो मेरा आंसर है गाइस। समझ में आ रहा है? माइनस साइन चाहिए तो यहाँ पे लेके जाओ, तो यहाँ पे 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, -1/v + 1/2 इज इक्वल टू 2t, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग को चाहिए तो, 1/v वहां पे लेके जाओ, 2t यहाँ पे लेके आओ, जो आपको चाहिए वो -2t + 1/2 इज इक्वल टू 1/v। समझ रहे ना, ये मेरा आंसर आ जाएगा, समझ रहे ना, मतलब v को फिर रेसिप्रोकेट करके आंसर लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत है? नो सर। उसको रेसिप्रोकेट करके आपको आंसर लिखना है, तो मैं आंसर डायरेक्टली रेसिप्रोकेट करके अभी के लिए तो लिख देता हूँ, ये फिर आप खुद मतलब चेक करो, यही मेरा आंसर है -1/4। समझ में आ रहा है सर? हाँ बोलो सर। वो dt उधर भेज के v स्क्वायर इधर क्यों लाया, मतलब? क्योंकि इंटीग्रेशन करना है ना, तू मुझे बता, dt यहाँ पे लेके जाता, ठीक है, तो 2v² × dt का इंटीग्रेशन होता क्या? सुनो, मैं ये नहीं लिखता, मैं इस स्टेप को ऐसा लिखता, dv इज इक्वल टू, मैं लिखता 2v² dt, क्या मुझे बता इंटीग्रेशन होता अभी इसका? बोलो गाइस। भाई मैं सिर्फ dt यहां पे लेके जाता, मैं सिर्फ बोला ना ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे बता ये इंटीग्रेशन होता क्या? No. नहीं होता ना भाई, v dt आता है, मुझे मैंने क्या बोला t dt चाहिए, t² dt होना चाहिए, या v dv के टर्म्स सब एक साथ, dv dv के सब एक साथ, ऐसे होने चाहिए, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोलता हूँ।
ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो इंटीग्रेशन क्या ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा अपने को। कोई दिक्कत है? जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया वापस एक बार कर लो इस क्वेश्चन को, मतलब स्क्रीनशॉट निकाल के थोड़ा सा इस सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पे थोड़ा देखो। जिसका मैथ्स वीक है उसको समझ में नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन से समझ में आएगा कि आपका मैथ्स स्ट्रांग या वीक है। एक क्वेश्चन दू और, एक क्वेश्चन दू क्या और गाइस? ओके सर। यस सर। एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, और समझ में आएगा कि आपका मैथ्स और कितना स्ट्रांग है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो और बाद में लिखो चाहिए तो। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल फाइव। मैंने लिखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन लिखा है टू इंटू डिस्प्लेसमेंट, टू इंटू एस। ठीक है गाइस, ध्यान में रखना। और यहाँ पे लिखा है एंड कंडीशन देखो क्या लिया, एट टाइम एट डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकंड। क्या दिया है देखो, डिस्प्लेसमेंट जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके सॉरी, ठीक है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज, व्हेन लिख देता हूं यहां पे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3 मीटर। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, समझ में आ रहा है क्या? देखो कुछ अलग क्वेश्चन हो गया, देखो ये सब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया ना क्वेश्चन, तो ये वापस नीट के अच्छे लेवल पे हो जाते हैं क्वेश्चंस, और इवन जेई मेन के अच्छे लेवल, मतलब जेई मेन के लेवल पे हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एडवांस में तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ ए इज इक्वल टू 2s, क्या करेंगे बताओ, ए इज इक्वल टू 2s में ds क्या यूज करेंगे? हाँ, अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ds अपॉन dt, dv अपॉन dt यूज करके फायदा है क्या? देखो ना यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे सब लोग देखो a इज इक्वल टू मैंने 2s लिखा, मुझे बताओ मैंने सपोज a को dv अपॉन dt लिखा, कुछ फायदा है क्या यहाँ पे बताओ? नो। अब dt यहाँ पे लेके जाओ, s यहाँ पे लेके जाओ, कुछ भी इंटीग्रेशन भाई, कुछ इंटीग्रेशन हो सकता है क्या इसमें? No. नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल टू 2s। अब अपना एक और थर्ड फॉर्मूला था जो अपन ने यूज किया था क्या? नहीं, तो a इज इक्वल टू क्या था वो फॉर्मूला, v dv बाय क्या था, v dv बाय क्या था, ds। हाँ, किसी के घर में झगड़े चल रहे वो म्यूट करके रखो। ठीक है, a इज इक्वल टू v dv बाय ds ऐसे था, और 2s को 2s ऐसे कैसे रखा? अब मुझे तो ds को कहां पे लेके आएंगे अपन, ds को कहां पे लेके जाएंगे अपन, इधर, तो ds को यहां पे लेके जाएंगे, तो क्या आएगा यहां पे, v dv इज इक्वल टू क्या, 2s ds। कोई दिक्कत है इसमें, मुझे बताओ? नो सर। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो मुझे बताओ, इनिशियली एट डिस्प्लेसमेंट जीरो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 2। जब डिस्प्लेसमेंट एस रहेगा तो वेलोसिटी कितनी रहेगी, v। अब मुझे बताओ, v dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, व्हाट इज v dv का इंटीग्रेशन, v² / 2। हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ v dv, चलो मैं इधर लिखता हूँ पहले, v² / 2। लिमिट्स कहाँ से कहाँ पे, लिमिट्स कहाँ से कहाँ पे, v टू v। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ h ds, s² / 2, 2 कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, क्या आएगा, s² लिमिट्स कहाँ से कहाँ पे, 0 से क्या, 0 टू s, yes। पहले एक बार v डालो, एक बार 2 डालो, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, v² / 2 माइनस 2² / 2। समझ में आ रहा है तुमको मैंने क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड, फिर एक बार s डालो, एक बार 0 डालो, तो s² - क्या आएगा, 0, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, v² / 2 माइनस 4/2, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू s² / 2। इधर लेके जाओ तो मेरा आंसर क्या आएगा, v² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2s² + 4। समझा? तो v क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या, प्लस 2s² + 4। कोई दिक्कत है, देखो यहाँ पे, देखो समझा, समझा मैं क्या लिख रहा हूँ,
एक्चुअली प्लस माइनस आएगा लेकिन ठीक है अभी के लिए मैं समझ में आया यस सर ठीक है यहाँ पे आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो लेकिन अभी तो ये मैथ्स मैथ्स का गेम है देखो क्वेश्चन देखो कैसे बन गया देखो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो गया सारे मतलब ये थोड़े से बेसिक लेवल पे नहीं है थोड़े से अच्छे लेवल के हो गए क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छा लेकिन इंटीग्रेशन मुझे पता है इंटीग्रेशन तो एकदम बेसिक ही है इसमें यस सर सोचना थोड़ा सा पड़ रहा है अपने को ध्यान में रखना देखो ध्यान में रखना तीन टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहां पे v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी यूज करना हो a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी यूज करना हो और फाइनल कौन सा यूज करना हो a इज इक्वल टू क्या v डी वी अपॉन डी एस यूज करना हो देखो a इज इक्वल टू v डी वी अपॉन डी एस यूज करना है ना ये थोड़ा सा जेई मेन के अच्छे लेवल पे नीट के अच्छे लेवल पे पूछते हैं तो जेई मेन एंड नीट के प्रो लेवल पे पूछा जाता है ये वाला इक्वेशन जो मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको समझ में आया जब एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड हो हाँ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड हो राइट राइट थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आ जाता है वो मैं उसके तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इवन आईआईटी में भी पूछे गए हैं वो अभी नहीं कराऊंगा बाद में करेंगे अपन मतलब सेकंड लेक्चर के बाद आप थोड़ा सा मैं वर्कशीट्स वगैरह दूंगा उसमें वो क्वेश्चन आ जाएंगे बाद में अपन सॉल्व करते रहेंगे ना एडवांस प्लस वगैरह बैच में तो आप देख लो ठीक है गाइस ठीक है मतलब मुझे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ रहा है कि आपको मतलब कैसे करना है yes, sir. इसमें कोई भी yes, इसमें कोई भी v is equal to u plus at वगैरह कुछ 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 नहीं लगाया मैंने अब तक कुछ लगाया क्या मैंने अभी तक no, sir. ठीक है चलो आगे बढ़े okay, sir. एक काम करो इसका ये कर लेते हो क्या इसका एक स्क्रीनशॉट मार लो बाद में खुद लिखो ओके सर ठीक है अभी एक काम करना है आपको गाइस यहां पे देखो गाइस यहां पे सब लोग देखो सुनो आपको पता है मैंने तीन फॉर्मूले लिखे थे कौन से फॉर्मूले थे v इज इक्वल टू क्या था u प्लस at था और क्या था s इक्वल टू क्या था ut प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर था और तीसरा फॉर्मूला क्या था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a ठीक है सो ऑल दिस थ्री फॉर्मूलास दे आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज व्हाट कांस्टेंट ऐसा मैंने बोला था ना याद है ना व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या बन गया एक नंबर बन गया सिंपल एक नंबर बन गया कि नहीं ठीक है सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ओके अब हम लोग इसका ना डेरिवेशन देखते हैं गाइस फटाफट डेरिवेशन देखो एकदम सिंपल है ठीक है मुझे बताओ कौन से तीन फॉर्मूले अपने दिमाग में होते हैं रखने होते हैं v इज इक्वल टू क्या ds अपॉन क्या dt a इज इक्वल टू क्या dv अपॉन dt और फाइनली a इज इक्वल टू क्या v dv अपॉन ds ds ठीक है एक काम करते हैं पहले अपना ये वाला फॉर्मूला यूज निकालना है ना तो अपन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt लेते हैं ठीक है यहाँ पे देखो फटाफट देखते जाओ यहाँ पे और फिर इसको आपको बाद में लिखना है मतलब स्क्रीनशॉट निकाल के लिख दो ठीक है a इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी कर दिया मुझे होता है इसमें क्या करोगे a क्या है कांस्टेंट है तो डीटी को कहां पे लेके आएंगे ऐसा लेके आ सकते कि नहीं लेके आ सकते भाई डीटी को यहां पे लेके आओ ना अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन होगा कि नहीं हो सकता वो बताओ होगा क्योंकि a क्या है यहां पे a की वैल्यू क्या है a क्या है यहां पे कांस्टेंट इंटीग्रेशन के कहां पे आता है हमेशा कहां पे आता है बाहर इंटीग्रेशन के बाहर आता है तो मैं बोला इनिशियल वेलोसिटी u पकड़ लेते टाइम t इक्वल टू 0 पे फाइनल वेलोसिटी v पकड़ते टाइम t इक्वल टू t पे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहां पे a बाहर आएगा इंटीग्रेशन के तो a ऐसे रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dt इज व्हाट t लिमिट्स कहां से कहां पे डालेंगे 0 से कहां पे 0 टू t t व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv v लिमिट्स फ्रॉम u टू v एक बार v डालो एक बार u डालो तो यहां पे क्या आएगा आंसर v माइनस u और एक बार यहाँ पे t डालो एक बार 0 यहां पे क्या आएगा at तो यहां पे आंसर क्या आएगा v इक्वल टू क्या आएगा u प्लस क्या आएगा at मेरा फर्स्ट इक्वेशन ठीक है सर अब हम लोग लेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at मेरा फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया मैंने अब मुझे बताओ v के अपन v की जगह अपन क्या डाल सकते हैं गाइस v के हम लोग जगह क्या डाल सकते हैं ds by dt ds upon dt चलो डालते हैं ds upon dt डाल देते हैं यहां पे तो v के जगह अपन ने डाला ds upon dt is equal to u plus at हो गया dt यहां पे लिख के जाओ तो ds की वैल्यू क्या होगी u plus at into क्या होगी dt
dt. फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही पॉसिबिलिटी बचती, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑन बोथ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड करने के बाद एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? जीरो. एट टाइम t इज इक्वल टू t, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे अपन? एस. मुझे तो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds, क्या हो जाएगा? s. लिमिट्स फ्रॉम जीरो से s. जीरो टू s. अब u कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे u कांस्टेंट है, u को टच करेंगे क्या? No. नहीं करेंगे भाई, u को टच नहीं करेंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ut आ जाएगा. इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u dt का इंटीग्रेशन ut. a dt, t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a into क्या हो जाएगा, t square by क्या, 2. देखो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे u भी कांस्टेंट है और a भी क्या है, दोनों क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट. कांस्टेंट तो भाई u dt मतलब क्या, 2 dt. 2 dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2t ना. 3 dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3t. राइट, तो u dt का इंटीग्रेशन इज ut. ut plus half a d square. अब s and 0 डाल दो यहाँ पे, एक बार s डालो एक बार 0 डाल दो, मतलब limits from 0 to t. समझ में आ रहा है, एक बार t डालो एक बार 0 डालो, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, s equal to क्या आ जाएगा, ut plus क्या आ जाएगा, ut plus half a d square. आ गया ना इक्वेशन? यस सर. ये सब इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, व्हेन एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन इज व्हाट, कांस्टेंट. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आता है. अब फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन अपना फाइनल इक्वेशन भी यहाँ पे है ही. A is equal to क्या दिया है, V dV upon क्या दिया है, dS. dS यहाँ पे लेके जाओ तो A dS is equal to क्या जाएगा, V क्या, dV. फिर इंटीग्रेशन करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u थी, डिस्प्लेसमेंट 0 थी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v थी, डिस्प्लेसमेंट क्या था, s. अब A यहाँ पे क्या है, A यहाँ पे भी क्या है, A यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट है. तो इट कैन, वी कैन टेक दिस आउट. ठीक है, सो यहाँ पे क्या जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a इंटू डी एस का इंटीग्रेशन इज s, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू s. व्हाट इज वीडीवी का, व्हाट इज वीडीवी का इंटीग्रेशन, वी स्क्वायर बाय 2. इंटीग्रेशन का लिमिट u टू v, एक बार v डालो एक बार u डालो, एक बार s एक बार 0. तो आंसर क्या जाएगा, a इंटू s आ जाएगा यहाँ पे. यहाँ पे क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2. अब 2 यहाँ पे लेके जाओ, आंसर क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? ठीक है, ये पूरा का पूरा चीज एक बार स्क्रीनशॉट लेके आपको होमवर्क करना है. होमवर्क करना मतलब खुद से डिराइव करना. आपने एक बार देख लिया ना, आपने एक बार देख लिया, आपको समझ में आया? यस सर. अब इसको वापस खुद से करो, खुद से करो, खुद से आपको घर पे मतलब इसको लिख के एक बार सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखो इसका, खुद से करना. अभी आप लिखने जाओगे तो आज 10 मिनट आपको और लगेगा. ठीक है, फिर वापस वो ब्रेक भी ना देने का फायदा ही नहीं है, वो पूरा का पूरा क्लास हो गया. राइट, तो पूरा का पूरा क्लास ही हो गया ऐसा पकड़ लो. ठीक है, लेकिन आपको बस अभी क्या करना है यहाँ पे, ये इस चीज को एक बार, ये एक बार वापस खुद से डिराइव करके, मतलब इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के इसको होमवर्क में वापस लिखना है. ठीक है, ध्यान में रखना. तो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी किससे डिराइव हुए गाइस, किससे डिराइव हुए, अपने 3 प्राइमरी, हाँ अपने 3 प्राइमरी इक्वेशन. तो किसी ने बोला काइनेमेटिक्स में सबसे प्राइमरी इक्वेशन कौन से है? v = ds / dt, a is equal to dv upon dt, and a is equal to v dv upon ds. समझ में आया? Yes sir. दिमाग में डाल दो, यही इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते रहना है, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. ठीक है, अब अगले लेक्चर में बस इसी चीज को मैंने ग्राफ के साथ कनेक्ट करना है. मतलब ग्राफ एक अलग चीज है, उसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा. मैं कुछ आपको एकदम सिंपल सिंपल सी चीजें भी बताऊंगा और कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी बताऊंगा. ठीक है, अगले लेक्चर में मतलब ऑलमोस्ट अपना अभी काइनेमेटिक्स खत्म हो गया ऐसा पकड़ दो, 99% अपना काइनेमेटिक्स खत्म हो चुका है. ठीक है, चलो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं अपन फिर. यस सर, हो गया सर. चलो गाइस बाय कर लो. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय. बाय गाइस. बाय गाइस. बाय गाइस. बाय गाइस.